हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी मशरूम सैंडविच बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मशरूम खाना हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी। सबसे पहले हम सैंडविच की स्टफिंग रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक बड़ा चम्मच बटर का ऐड किया है। इसमें मैं डालूंगी ये छोटा छोटा चॉप किया हुआ लहसुन है और अदरक है। लहसुन और अदरक का फ्लेवर मशरूम के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। ज्यादा कुछ नहीं करना हमें इसे, बस थोड़ा सा ही। छोटा सा प्याज कट करके रखा है बारीक, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। बस प्याज को भी एक दो मिनट ही कुक करेंगे हाई फ्लेम पर। ये सब हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। अब ये एक बाउल भर कर मशरूम का है, ये मैं ऐड कर दूंगी। इन सबको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक ये मशरूम का जो पानी रिलीज होगा वो ड्राई ना हो जाए तब तक। ये देखिए पानी ड्राई हो गया इसका। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 5 मिनट ही लगे बस इसको कुक होने में। 1/4 टीस्पून जितनी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे पिज्जा सीजनिंग, जो कि इसके टेस्ट को और भी मजेदार सा कर देगी। थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लेंगे। बस फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई। अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करेंगे। जब इसका सैंडविच बनाएंगे थोड़ा स्टाइलिश भी बनाएंगे। ये देखिए एक ढक्कन की हेल्प से ये ब्रेड के पीस को हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। ये बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर रही हूँ। आप पूरी ब्रेड पीस के साथ भी इसको बना सकते हैं। बटर लगा लेंगे हम एक साइड पर अच्छे से। इस तरह से अगर आपने पैन में बनाना है पैन में बनाइए, ओटीजी में भी ये बहुत बढ़िया बनता है। पैन में ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये जो स्टफिंग है ये इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। पिज्जा चीज थोड़ा सा रख देंगे जो कि इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। ये क्यूट सा चेरी टमेटो है, ये रख देंगे इसके ऊपर। बस चीज को मेल्ट होने देंगे और नीचे से ये जो ब्रेड है ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ऊपर से चीज अच्छे से मेल्ट हो गया फ्रेंड्स, ये नीचे से भी पूरा क्रिस्पी हो चुका है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही यमी ये टोस्ट बनता है। इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स और थोड़े से मिक्स हर्ब्स डाल लेंगे। जरूर से ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। यमी होने के साथ साथ मशरूम है तो ये हेल्दी भी बहुत है। और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।